कोरोना से बचाव के लिए देश भर में 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। 21 दिन के इस लॉकडाउन की अवधि अब खत्म होने वाली है। लॉकडाउन के पहले ही कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन पर रोक लगा दी थी, जो अब 15 अप्रैल को लॉकडाउन के साथ दोबारा शुरू हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय रेलवे ने ट्रेनों के परिचालन को दोबारा शुरू करने के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल तैयार कर लिया है। नए प्रोटोकॉल के अनुसार यात्रियों को ट्रेन के निर्धारित समय से 4 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेलवे स्टेशन में दाखिल होने से पहले सभी मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी। इस दौरान पूरी तरह स्वस्थ यात्री को ही यात्रा की अनुमति दी जाएगी। जिन मुसाफिरों को बुखार, खांसी, जुकाम की शिकायत होगी, उन्हें यात्रा की इजाज़त नहीं दी जाएगी। रेलवे के अनुसार रेलवे स्टेशन में सिर्फ नॉन-एसी शयनयान श्रेणी में टिकट आरक्षित करने वाले मुसाफिरों को ही रेलवे स्टेशन में प्रवेश की इजाज़त दी जाएगी। इस दौरान किसी भी स्टेशन में प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा रहेगा। जिन मुसाफिरों के पास वेटिंग टिकट है, उन्हें भी रेलवे स्टेशन में प्रवेश की इजाज़त नहीं होगी। इस दौरान रेलवे ने यात्रियों के लिए मास्क और दस्तानों को रेलवे स्टेशन में मुहैया कराने का भी फैसला लिया है। यह आपको यहाँ मामूली कीमत पर मिल जाएगा। रेलवे स्टेशन और ट्रेन में सभी मुसाफिरों और रेलवे स्टाफ को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा पर जाने वाले सभी यात्रियों को अपनी सेहत से जुड़ी सभी जानकारी निर्धारित समय से 12 घंटे पहले रेलवे के साथ साझा करनी होगी। यदि यात्रा के बीच में कोई लक्षण दिखाई देता है तो उसे तुरंत ही नीचे उतार दिया जाएगा। इसके अलावा भी रेलवे हर सावधानी पूरी तरह से ध्यान दे रहा है, जिससे किसी तरह की कोई चूक ना हो। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.